फैन बंद करो, फैन बंद करो, आइए। सो लास्ट क्लास वी स्टार्टेड विथ कॉस्ट शीट, राइट? सो टुडे वील डू मोर सम्स ऑन कॉस्ट शीट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आज हम लोग कॉस्ट शीट जो करेंगे उसमें कुछ कुछ मिसिंग फिगर टाइप्स प्रॉब्लम करेंगे। क्या करेंगे? मिसिंग फिगर टाइप्स। सो द प्रॉब्लम विच विल डू फर्स्ट टुडे, आज का जो पहला सवाल होगा हमारा, मैंने आपको ब्यूटीफुली लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया है दैट द टाइप ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट विच आई हैव गिवन यू, आई नो इट्स बेस्ट बट स्टिल लेट्स कंप्लीट दिस चैप्टर। सो टुडे वील बी डूइंग फर्स्ट, थोड़ा होमवर्क था क्या लास्ट क्लास कुछ भी? हाँ, होने से भी आप लोग नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट द टाइम टू कम, यू शुड हैव कम अर्ली। एनीवेज, हाँ आ गया, बहुत बड़ा बात है, दैट्स कूल, आई कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन 5, रीड करिए आप लोग। एक्सक्यूज मी, यू शुड नॉट बी टॉकिंग एट ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 5, हद से ज्यादा। There might be a case you might get the same question in your examination. Right? Let's get started. Padhiye aap log, read it once. We'll start. Aap log bhi, jo log video dekh rahe hain, please kindly do it. Read number 5. Please no talking. आइए, a firm produces and sells a single output, right? A firm produces and sells a single output. From the following particulars, prepare a statement for the year ended 31st March 2011, showing therein prime cost दिखाना है, फैक्ट्री कॉस्ट दिखाना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिखाना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिखाना है, प्रॉफिट पर यूनिट दिखाना है। ओके फाइन, जो प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से। रॉ मटेरियल का ओपनिंग दे दिया, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया, WIP का भी ओपनिंग दे दिया, WIP ऑन 1st of April 2010, WIP on 1st of April 2010 at prime cost और उसका at manufacturing expenses। Now जब WIP में बता देगा prime cost कितना है और manufacturing expenses कितना है, in that case WIP का एडजस्टमेंट अबव प्राइम कॉस्ट करेंगे। जैसे अपने WIP का एडजस्टमेंट कब करते हैं? प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस उसी को बोलते हैं।
उसके बाद अपने डब्ल्यू आई पी एडजस्टमेंट करते हैं। बट यहां पे डब्ल्यू आई पी एडजस्टमेंट ऊपर ऊपर में भी होगा, नीचे में भी होगा। एट प्राइम कॉस्ट वाला ऊपर में होगा और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वाला नीचे एडजस्ट करेंगे। ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ, उसका वैल्यू दे दिया, यूनिट से दिया, फ्रेट ऑन रॉ मेटेरियल परचेज ऐड हो जाएगा। लॉस ऑफ मेटेरियल बाय फायर ये लेस कर देंगे क्योंकि दिस इज द मेटेरियल नॉट कंज्यूम्ड, राइट। लॉस ऑफ मेटेरियल बाय फायर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, चार्जेबल एक्सपेंस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट दे दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेल ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, रॉ मेटेरियल का क्लोजिंग, डब्ल्यू आई पी का क्लोजिंग, लेकिन फिनिश गुड्स का क्लोजिंग नहीं दिया है, यही तो निकालना है। और यहाँ पे सिंपल एवरेज यूज करना है, क्वेश्चन में बोला है सिंपल एवरेज यूज करने के लिए, राइट। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन इक्वल्स टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग फिनिश गुड्स 16,000 है, प्रोडक्शन एक्स इक्वल्स टू 56,000, क्लोजिंग है 10,000, सब यूनिट्स। तो प्रोडक्शन आएगा 50,000 यूनिट, हमने आपको लास्ट क्लास बताया था। कॉस्ट शीट बनाने के पहले अपने ये वाला वर्किंग नोट कर लेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन इक्वल टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन इक्वल्स टू सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। तो प्रोडक्शन आ गया मेरा 50,000। दूसरा नोट जो अपने को बनाना है वो क्या बनाना है, जो मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हुआ है वही वाला लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितना है, 25,000, भाड़ा लगाना फ्रेट ऑन परचेज कितना है, 10,000 लॉस ऑफ मटेरियल बाय फायर, ये प्रोडक्शन में यूज नहीं हुआ है, इसको यहां से हटा के कॉस्टिंग पीएल में डाल देंगे, नुकसान हमको अपना जेब से भरना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल लॉस होता तो तुम लोग को मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में सिखाया है, नॉर्मल लॉस कौन बियर करता है, कस्टमर बियर करता है, तब नॉर्मल लॉस होता तो यहां से नहीं हटाते। बट डिस्ट्रक्शन बाई फायर इज नॉट नॉर्मल लॉस, इट्स एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को बोलते हैं अवॉइडेबल लॉसेज, आज आप प्रॉपर प्रिकॉशन लगते तो आग नहीं लगता, राइट। तो लॉस ऑफ मेटेरियल बाई फायर कितना है, 10,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल,
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, हैड इट बीन नॉर्मल लॉस तो अपने लेस नहीं करते, बिकॉज नॉर्मल लॉस का लॉस कस्टमर बियर करता है, कस्टमर के बर्डन में डाल देंगे, शोल्डर में. बट मेटेरियल लॉस बाय फायर इज नॉट नॉर्मल लॉस, इट्स एबनॉर्मल. यू कुड हैव अवॉइडेड इफ यू कुड हैव टेकन प्रॉपर प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स. क्या बोल रहे? हेलो, अब अपने बनाएंगे कॉस्ट शीट. तो कॉस्ट शीट बनाते तो उसके बगल में लिखते हैं प्रोडक्शन 50,000, पचास हजार यूनिट, 56,000 यूनिट. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना? 2,05,000. डायरेक्ट वेजेस कितना? 2,07,000. डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब चार्जेबल एक्सपेंसेस कितना? हाँ, 50,000. अब यहां पे WIP एडजस्टमेंट होगा, बिकॉज एट प्राइम कॉस्ट का ब्रेकअप दे दिया है. ओपनिंग WIP एट प्राइम कॉस्ट कितना? क्लोजिंग WIP एट प्राइम कॉस्ट कितना? 20. तो ये मेरा प्राइम कॉस्ट आएगा, 535 मेरा प्राइम कॉस्ट आएगा. आंसर छोड़ दीजिए, आंसर में लोग लॉस ऑफ मेटेरियल बाय फायर को नॉर्मल लॉस पकड़ा है. आई कैन नॉट, फायर कैन नॉट बी अ नॉर्मल लॉस. मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आपके घर में आग लगेगा ही लगेगा, राइट? अपने को WIP एट प्राइम कॉस्ट और एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है. बोल के अपने जो प्राइम कॉस्ट वाला है वो ऊपर प्लस माइनस कर रहे हैं,
और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वाला नीचे, मतलब WIP एडजस्टमेंट ऊपर भी होगा थोड़ा सा, फिर नीचे भी होगा, प्लस फैक्ट्री एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन ओवरहेड बोला जाता है। कितना है बोलो? 1375 00। अगेन प्लस ओपनिंग WIP एट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना है? 6000 माइनस क्लोजिंग WIP एट 16, तो नेगेटिव 10000 बाहर। इसको बोलेंगे हम लोग वर्क्स कॉस्ट, वी विल कॉल इट एज वर्क्स कॉस्ट। हाउ मच? 6625। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पूरा फॉर्मेट फॉलो कर रहे, जैसे जैसे गुड्स मूव कर रहे एक डिपार्टमेंट से दूसरा, खर्चा ऐड होता जा रहा है। 2 रुपया पर यूनिट और प्रोडक्शन पे होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। तो 50,000 यूनिट का 2 रुपया करके कितना आ रहा है? तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेवन सिक्स टू फाइव डबल जीरो देखो अच्छे से। इज इट फाइन? अभी जगह नहीं है, नीचे का मिटा के करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? देखना है क्या आप लोगों को? सबका हो गया कि बाकी है?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 762 500, यस और नो? ओपनिंग फिनिश गुड्स का वैल्यू दे दिया है, एक लाख बीस हजार। क्लोजिंग फिनिश गुड्स ठीक है, यहां पे हम लोग को सिंपल एवरेज यूज करने बोला, ठीक है। सबसे पहला लॉट है ओपनिंग फिनिश गुड्स का, उसके बाद प्रोडक्शन का यूनिट्स 16,000, 50,000 मिला के 66, सोल्ड पता नहीं लेकिन 56 बिका है, क्लोजिंग भी पता नहीं लेकिन 10,000 बचा है। एवरेज मेथड में ओवरऑल बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। अभी ओपनिंग वाले का रेट क्या है? 120 कॉस्ट है 16,000 का, कितना हो रहा है 120 डिवाइड बाय 16,000? 7.50। और एक रेट प्रोडक्शन का है 762 500 है 50,000, ये 50,000 यूनिट का है, ये 16,000 यूनिट का है, दोनों का एवरेज कितना आ रहा है? 11.5। इसको बोलेंगे ओपनिंग एवरेज, इसका प्रोडक्शन एवरेज कॉस्ट कितना? 15 पॉइंट एग्जैक्ट। तो एवरेज प्राइस कितना आ रहा है? एवरेज रेट 7.50 प्लस 15.25 डिवाइडेड बाय 2, 11.375। टेन थाउजेंड इंटू 11.375 बोलो 11,375। ये एवरेज रेट आ गया ना, सिंपल एवरेज में दोनों जो ओपनिंग और प्रोडक्शन का जो एवरेज प्राइस है उसे क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ बोलो 7,750 प्लस सेलिंग ओवरहेड कितना है? 1 रुपया पर यूनिट बोला है और सेल लेंगे आप प्रोडक्शन नहीं, 56,000। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आएगा यहां पे। सोल्ड यूनिट्स का आएगा, 1 रुपया पर यूनिट दिया सेलिंग ओवरहेड तो 56,000 बेचा ना, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है? 8,375।
839750. प्लस प्रॉफिट मेरा सेल्स, ठीक है सेल्स बताओ ना कितना है, 8 लाख 39750 का मेरा लॉस है। अब इसको डिवाइड कर लो 56,000 से, तो लॉस पर यूनिट आ जाएगा जो भी आ रहा है। प्रॉफिट अब उसको ब्रैकेट में दे दिया ना, यस और नो? डन, दिमाग में कुछ चल रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बता रहे हैं। सम नंबर 8, सम नंबर 8, मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है, पढ़िए आप लोग।
रीड करो। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर हम एक सिंपल सा कॉस्ट शीट बनाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट आता है, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। प्लस माइनस WIP एडजस्टमेंट, वर्क्स कॉस्ट आएगा, एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ठीक है, अब मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है, देखो क्या क्या दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, सभी कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट वेज 105, फैक्ट्री ओवरहेड बोला है 60% ऑफ वेजेस, 60% ऑफ 1,05,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 344,300। अब यहां से ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, WIP नहीं है, ठीक है ही नहीं, ये दिमाग मत लगाओ। अब देखो ध्यान से, वर्क्स कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है, 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो 110% ऑफ वर्क्स कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सो वर्क्स कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाई 110%, 344,300 डिवाइडेड बाय 110% कितना आ रहा है,
313-000. तो वर्क्स कॉस्ट 313,000 आएगा, इसका आप 10% करो, आ जाएगा ये 31,300। जो वर्क्स का उसका 10% आ गया। बैक कैलकुलेशन में जाओ, वर्क्स कॉस्ट 313 है और ये 63, तो प्राइम कॉस्ट कितना आएगा? 250,000। ये नोट वन है, यहाँ पे नोट वन लिख देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है। वापस से बैक जाएंगे तो ये 145 आएगा, दिस इज बैलेंसिंग फिगर टू। पहले ये वाला आया फिर ये वाला आया, बैक जाना है, बैक। ओपनिंग रॉ मेटेरियल क्या, बैलेंसिंग फिगर टू, ओपनिंग रॉ मेटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मेटेरियल इक्वल्स टू कंज्यूम्ड। सो परचेज इक्वल्स टू क्या होगा, 145 कंजम्पशन है, उसमें क्लोजिंग प्लस कर दो 15,000 और ओपनिंग 5,000, ओपनिंग 10,000 माइनस कर दो, तो परचेज आ गया 150,000। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज इट फाइन? क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करिए, क्लास वर्क स्टार्ट, नंबर 3 आप लोग करिए, मैं चेक करूंगा। वही मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है, करो। डू इट फास्ट। पंखा चला दो। क्वेश्चन 3 स्टार्ट करो।